आज के इस ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीए तृतीय वर्ष भूगोल के भारत का भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हम लोगों ने भारत के भूगोल प्रश्न पत्र के जलवायु वाले अध्याय का अध्ययन प्रारंभ किया था और जलवायु से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों का अध्ययन भी किया था। अब जलवायु के बाद हम लोग मानसून के बारे में अध्ययन करेंगे। मानसून की उत्पत्ति, मानसून शब्द से क्या तात्पर्य है इत्यादि का अध्ययन हम लोग आज के इस भाग में करेंगे। देखिए, जैसा हम लोग जानते हैं कि मानसून शब्द अरबी भाषा में बने हुए अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया गया है, ऋतुएं। या मानसून से अगर हम लोग बात करें तो ऋतुओं का आवर्तन, हवाओं का आवर्तन। जब भारतीय संदर्भ में बात करें तो मानसूनी पवने कुछ समय के लिए स्थल से जलीय भाग की ओर और कुछ समय के लिए जलीय भाग से स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं। तो मौसमों का आवर्तन, हवाओं का आवर्तन स्थिर नहीं है, स्थिरता का अभाव। मतलब कभी एक समय तो एक काल विशेष में परिस्थितियां आदर्श होने पर मानसूनी पवने स्थल से जलीय भाग की ओर, वायुदाब की भिन्नता होने के फलस्वरूप, और दोबारा मौसम के अनुकूलता या प्रतिकूलता होने पर जस्ट उल्टा संबंध होता है। कुछ समय के लिए जलीय भाग से स्थलीय भाग की ओर वायुदाब की भिन्नता होने से, और कुछ समय की ओर स्थलीय भाग से जलीय भाग की ओर वायुदाब की भिन्नता से होता है। देखिए, जैसा हम लोग जानते हैं कि वायुदाब और तापमान में जस्ट उल्टा संबंध होता है। जहाँ तापमान अधिक होगा वहाँ वायुदाब कम होगा। कारण यह है कि तापमान बढ़ने से हवाएं गर्म होंगी, गर्म होकर वो हल्की हो जाएंगी और हल्की होकर वो ऊपर की ओर प्रवाहित हो जाएंगी, और ऊपर की जो ठंडी हवाएं हैं इन रिक्त स्थान को भरने के लिए नीचे की ओर आएंगी। नीचे की ओर आएंगी तो पुनः तापमान की अधिकता से, तापमान होने से ये वायु या ये पवने फिर गर्म हो जाएंगी, गर्म होकर हल्की होंगी, हल्की होकर ये पुनः ऊपर की ओर जाएंगी। तो कालांतर में एक समय के बाद वो संपूर्ण क्षेत्र निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। तो ध्यान रखने की बात यह है, तापमान और वायुदाब में उल्टा संबंध होता है। जिस क्षेत्र में तापमान अधिक होगा वहाँ वायुदाब कम होगा, और जहाँ पर तापमान कम होगा वहाँ वायुदाब अधिक होगा। ग्रीष्मकाल में स्थलीय भाग पर तापमान अधिक होने से यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र स्थापित हो जाता है, और उल्टा होता है शीतकाल में। शीतकाल में तापमान की कमी होने से स्थलीय भाग पर उच्च वायुदाब का बेल्ट स्थापित हो जाती, उच्च वायुदाब की पेटी स्थापित हो जाती है। तो जैसे वायु की प्रकृति है, वायु का नियम है, वायु जो एक नियम का के अनुसार चलती है, हमेशा वायु उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। तो शीतकाल में क्या है, शीतकाल में वायुदाब उच्च भाग जो है स्थलीय खंड पे है, भारत के उपमहाद्वीपी के पश्चिमी भाग में है, या संपूर्ण भारत ही मान लीजिए, संपूर्ण भारत पे उच्च वायुदाब है। इसके विपरीत जलीय भाग निम्न वायुदाब वाला केंद्र है। देखिए, ये जो आपको अभी बताया जा रहा है ये एक प्राचीन परिकल्पना है। हाँ यार साहब, मैं ये कह रहा था सर, एक आपका 4400 समथिंग है, हाँ हाँ लेते हैं कि कॉलेज में।
आप लेते हो अभी, कॉलेज भेजोगे फिर वही देगा नहीं, फिर वो भेज देगा उधर। ठीक है, आप अपने आप लेते आइएगा। ओके ओके, धन्यवाद साहब, धन्यवाद। उच्च वायु दाब का केंद्र शीतकाल में स्थापित हो जाता है स्थलीय भाग पर। इसके विपरीत जलीय भाग पर निम्न वायु दाब का केंद्र स्थापित होता है। देखिए, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि थोड़ा सी संकल्पना में ये मूलभूत अंतर है कि स्थलखंड तो तापमान की अधिकता या कम होने से उच्च वायुदाब या निम्न वायुदाब केंद्र में स्थापित हो जाता है, लेकिन जलीय भाग शीतकाल में या ठंडे के समय में निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा और ग्रीष्मकाल में उच्च वायुदाब का केंद्र बनेगा। तो कहीं ना कहीं नियमों में थोड़ा विरोधाभास भी देखने को मिलता है। इसके पीछे पीछे मान्यता यह है कि जलीय भाग देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे होते हैं, तो ये तो बात है ही है, लेकिन ये जो संकल्पना है, ये विचारधारा है, प्राचीन काल की है और यह अति सिंपल है, अति साधारण है। वर्तमान स्थिति में मानसून की उत्पत्ति इतनी साधारण नहीं है जितना साधारण इसमें दिखाया गया है कि शीतकाल में तो उच्च वायुदाब हो जाएगा स्थापित स्थलीय खंड पे और उसी के सापेक्ष निम्न वायुदाब का केंद्र स्थापित होगा जलीय भाग में, और जस्ट उल्टा संबंध होगा, ग्रीष्मकाल में निम्न वायुदाब स्थापित हो जाएगा स्थलीय भाग पर और तदनुसार या उस समय उच्च वायुदाब स्थापित होगा स्थलीय जलीय खंड पे। तो ग्रीष्मकाल में जलीय खंड से उच्च भाग जो क्षेत्र है से स्थलीय खंड के निम्न वायु भाग वायुदाब वाले केंद्र की ओर पवने प्रवाहित होंगी और ये पवने स्थल खंड की ओर जा रही हैं जलीय भाग से, तो अपने साथ नमी लेकर जाएंगी, अपने वायु के साथ नमी भी धारण करके जाती हैं और यह पौने नमी युक्त होने के कारण स्थलीय भागों पर अवरोध होने पर वर्षा कराने में सहायक होती हैं। और इसके विपरीत शीतकाल में उच्च वायुदाब का केंद्र स्थापित होता है स्थल भाग पे और निम्न वायुदाब का केंद्र स्थापित होता है जलीय खंड पे। तो स्थल भाग के उच्च वायुदाब से जलीय खंड के निम्न वायुदाब की ओर पौने प्रवाहित होती हैं और ये पौने स्थल खंड से जलीय खंड की ओर प्रवाहित होती हैं, लेकिन स्थल खंड पे नमी युक्त न होने की वजह से ये पौने वर्षा कराने में सहायक नहीं होती। इसके विपरीत ग्रीष्मकाल में जो पौने चलती हैं जलीय खंड से स्थलीय खंड की ओर, वो नमी युक्त होने की वजह से वर्षा कराने में सहायक होती हैं। तो ये संकल्पना है, बड़ा सिंपल सा है, लेकिन ऐसी स्थिति बनती है नहीं। हाँ, कुछ हद तक बनती है, लेकिन ये वर्तमान में इस को बहुत अधिक वैज्ञानिक मान्यता देते नहीं हैं। इसमें काफ़ी हद तक चेंजेज आ गए हैं इस संकल्पना में, लेकिन प्राचीन चिर संक जो कॉल है, प्राचीन का जो पुरानी जो धारणाएं हैं वो आज भी बनी हुई हैं और कहीं ना कहीं हमें इसे देखने को भी मिलती है। अब देखिए, मानसून की उत्पत्ति ये तो सिंपल मैंने बता दिया। अब यह माना जाता है कि जेट स्ट्रीम जो नवीन संकल्पना है मानसून की उत्पत्ति से, ये मानसून की उत्पत्ति में या उत्पत्ति को समझने में अधिक सहायक होती है। जेट स्ट्रीम की संकल्पना जो कि नवीन संकल्पना है, मानसून की उत्पत्ति को समझने में बहुत ही सहायक होती है और यह नवीन वैज्ञानिक तर्कों एवं अन्वेषणों के आधार पर विकसित की गई संकल्पना है और इसे मान्यता मिली हुई है। इस संकल्पना को मान्यता मिली हुई है और इस संकल्पना में यह कहा जाता है कि भारत के मानसून की उत्पत्ति में तिब्बत का पठार, जो कि भारत के उत्तर में स्थित है, बहुत ही सहायक सिद्ध होती है।
तिब्बत का पठार मानसून की उत्पत्ति को या मानसून की उत्पत्ति में पूरी तरह से सक्रिय रहकर मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित करती है और मानसून की उत्पत्ति को नियंत्रित करती है। और इस जेट स्ट्रीम की संकल्पना को अगले भाग में अध्ययन किया जाएगा। आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से इस ऑनलाइन क्लास को, इस ई लेक्चर को सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शेष या आगे की मानसून की उत्पत्ति की जेट संकल्पना, जेट स्ट्रीम संकल्पना अगले भाग में अध्ययन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।